17 साल से तरक्की के मुंतसर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए छोटी ईद पर बड़ा तोहफा, मुख्तलिफ असलाह के 500। ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर वार्डन्स के अहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में खवातीन ट्रैफिक वार्डन्स भी शामिल। CTO की तरक्की पाने वालों अफसरान को मुबारकबाद। ईद उल फितर आते ही मिठाइयों और केक की मांग बढ़ गई। मुख्तलिफ बेकरीज पर शहरियों का रश लग गया। शहरी अपने घर और अजीज़ों अकारब के लिए मिठाई, केक और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ। गुज़श्ता साल की नस्बत मिठाइयों और केक कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ, शहरियों का शिकवा। ईद के लिए परदेसियों के आबाई इलाकों का रवानगी, गुज़श्ता 2 रोज़ के मुकाबले मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम रह गई। लारी अड्डा और सिटी बस टर्मिनल पर गाड़ियों की तादाद भी मामूल से कम। आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसी बस अड्डों पर गाड़ियों की रात तकने लगे। परदेसियों की अपने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। कराची और कोयटा जाने और आने वाली ज़्यादातर ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। मुसाफिरों को टिकट्स के हसूल में मुश्किल का सामना। रेलवे इंतजाम का रश के पेश नज़र ट्रेन के साथ इजाफी कोचेस लगाने पर भी गौर। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाना परदेसियों के लिए इम्तिहान बनने लगा। लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें आज भी ताखिर का शिकार। कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2.5 घंटे, मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट लेट। ट्रेनें लेट होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर अजियत का शिकार। ईद से कब्ल जेलों में अपने प्यारों से मुलाकात ख्वाब बन गई। डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर मुलाकात ही अपने प्यारों से मिलने के मुंतजर। कहते हैं अपने प्यारों के लिए कपड़े और खाने की चीज़ें लेकर आए हैं। जेल इंतजाम की जानिब से आज मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। गवर्नर हाउस को कल आवाम के लिए सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुला रखने का फैसला। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक मलिकुर रहमान ईद के रोज़ गवर्नर हाउस में आवाम से मुलाकात करेंगे। आवाम दाखिले के लिए अलहमदा गेट इस्तेमाल करें और शनाख्ती कार्ड भी हमरा लाएं। फूड अथॉरिटी की बस अड्डों, रेलवे स्टेशन समेत तमाम फूड पॉइंट्स की चेकिंग नाकिस। इंतजाम पर 9 फूड पॉइंट्स को जुर्माने, 17 को इस्लाही नोटिस जारी। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिरों को मयार फराह के फ्राहमी पर समझौता नहीं किया जाएगा। ईद के 3 दिन स्पेशल टीमें अड्डों पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग जारी रखेंगी। लेस्को का ईद के दिनों में बिला तातुर बिजली फ्राहम करने का फैसला। लेस्को के बिजली की बेहतरीन सप्लाई के खसूसी इंतजाम मुकम्मल। मॉनिटरिंग के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में खसूसी कंट्रोल रूम कायम। शहरी ईद पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। लाहौर में ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ लाइसेंस सेंटर खुले रहेंगे। CTO लाहौर कहते हैं सिर्फ ईद के पहले रोज़ लाइसेंस सेंटर बंद रहेंगे। लिबर्टी सेंटर ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ 24 घंटे फ़ाल होगा। मनावा डिफेंस, अल्फा करीम और ग्रेटर बाल पार्क सेंटर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। पुलिस शहदा के बच्चों की महकमे में भर्ती के लिए उम्र की हद 25 साल मुकर्र। राशि पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं मैट्रिक में 50% नंबर्स की शर्त में ख़त्म कर दी गई। ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती के लिए 2 साल तजर्बे की ज़रूरत नहीं होगी। IG पंजाब का पुलिस के खासियों को CTO में शामिल करने का भी ऐलान। ईद पर समान पार्क में ऑपरेशन का खदशा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला समेत देकर वो खत लिख दिया। ईद पर पुलिस की जानिब से समान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। लाश बेंच का फैसला मौजूद है। अदालती हुक्म की गलत तशरी करने का प्लान भी बनाया गया है। समान पार्क ऑपरेशन किया गया तो आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। मरास्ते का मतन। निश्ता कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, नौजवान पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दोनों मुल्ज़िमान को फुटेज की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक रमेश अपने दोस्त को आज
मुंसिफ टाउन अकेडमी छोड़ने आया तो मुलजिमान ने पकड़ कर तशद्दुद किया। और मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल का 85वां योम वफात। शायर मशरक ने अपनी शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। उनकी मशहूर तसानीफ में शिकवा जवाब शिकवा भी नुमाया है, जबकि इलामा मोहम्मद इकबाल को दौर जदीद का सूफी भी समझा जाता है।